भाईजान के फैन सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, देखा जाए तो भाईजान के फैन फॉलोइंग की कोई तुलना ही नहीं है। वो सच में किसी के भाई हैं तो किसी की जान है, और सिर्फ उनकी मूवीज इंडिया में ही नहीं रिलीज की जाती है, इसीलिए उनकी मूवीज को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है। और किक मूवी जो सलमान के दिल के इतनी करीब है, उसने आपको बताते हैं पाकिस्तान में सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे। जी हाँ दोस्तों, 2014 में इस मूवी को ईद उल फितर के मौके पर रिलीज किया गया था, और पाकिस्तान में इसका फर्स्ट डे कलेक्शन ही इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग था कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये मूवी वहां पर ऐसा प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले तो वार मूवी के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़े थे। वार मूवी ने अपने ओपनिंग डे कलेक्शन में 11.4 मिलियन रुपीज की कमाई की थी, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन किक मूवी रिलीज होने के बाद इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तो ऐसे मौके पर ही रिलीज की गई, और दूसरा भाईजान के लिए लोगों का दीवाना बन तो इस मूवी को हिट तो होना ही था, इसीलिए इस मूवी ने फर्स्ट डे कलेक्शन 20.8 मिलियन रुपीस का किया। और तो और इसने धूम 3 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म धूम 3 ने ओपनिंग डे में पाकिस्तान में 19 मिलियन की कमाई की, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म ने आमिर खान के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होता किसी मूवी के लिए, लेकिन जैसे कि सलमान खान ने ठान ली थी सबके तोते उड़ाने के, और इसीलिए किक मूवी ने वहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मेकर्स ने तो इसका अनुमान भी नहीं लगाया था कि ये मूवी इतना अच्छा कर जाएगी, इसीलिए बाद में स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को धन्यवाद देने के लिए मेकर्स ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। तो ये कहानी थी किक 2 की। किक मूवी का इतना ज्यादा क्रेज था कि प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी के साथ साथ देवी के कैरेक्टर पर एक वीडियो गेम भी बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो गेम का नाम था किक द ऑफिशियल गेम, और इसे प्रोड्यूसर्स ने इंडिया गेम्स के साथ पार्टनरशिप करके बनाया था। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद था इस मूवी को प्रमोट करना, ताकि लोग देवी के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए, और ये सिर्फ एक प्रमोशन बेसिस पे बनाया गया था। इस गेम में एक चोर था जो कि पुलिस से बचकर अलग अलग जगहों पर चोरी करता है। ये एक लेवल बेस्ड गेम था, और इसमें भी कॉइन्स कलेक्ट करने के बाद आप बहुत सारे गैजेट्स इस्तेमाल कर सकते थे, ले सकते थे, लेकिन इस गेम में कुछ खास लॉजिक नहीं था। इसकी ग्राफिक्स भी अच्छी नहीं थी। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया था, और मूवी जब थिएटर से हटी तो ये गेम भी बंद हो गया। तो किक मूवी का इतना ज़्यादा क्रेज था, अब मेकर्स किक 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी होस्ट पंकरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।